Assalamu alaikum. Please subscribe my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी आलू की सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए गोभी, हरा धनिया, आलू, प्याज और टमाटर। इसके साथ साथ हमें चाहिए जीरा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, हल्दी, नमक टू टेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं पर मैंने इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। तेल गरम होने पर हम इसमें डालेंगे जीरा, तकरीबन 5 से 10 सेकंड के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमें गलने तक पकाना है। हम अपने बर्तन को कवर कर देंगे जिससे टमाटर गलने में आसानी हो। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमें भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 चम्मच पानी और हम मसाले को भून लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है,
अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे आलू। थोड़ा सा पानी डालकर हम आलू और मसाले को मिक्स कर लेंगे। डालेंगे कटी हुई हमारी गोभी। गोभी को मिक्स करेंगे और तकरीबन एक कटोरी, एक या डेढ़ कटोरी पानी डाल के हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। अभी इसमें पानी है क्योंकि गोभी भी पानी छोड़ती है। हम इसको पकने देंगे अभी और 10 मिनट, लेकिन बीच बीच में हम इसको खोल के देखते रहेंगे। हम आलू चेक करके देख लेंगे कि गले हैं या नहीं, लेकिन अभी हमारे आलू सही तरीके से नहीं गले हैं, इसलिए हम इसको और 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको एक बार फिर चला देंगे। पानी हमारा सूख चुका है, हम अपनी आंच को अब धीमी कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसे पकने देंगे। अब हम देख लेंगे कि आलू हमारे गले हैं या नहीं। आलू हमारे गल चुके हैं। हमारी गोभी पक के तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और हरा धनिया डालकर इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। हमारे तरीके से पकाइए, आप भी खाइए और अपने घर वालों को भी पका के खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अब आपको हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए।